हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ कोस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू टू, देन आपसे पूछ रहा है कि कोस का पावर सिक्स थीटा प्लस सेक टू द पावर सिक्स थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो याद रखोगे दोस्तों कोस थीटा प्लस सेक थीटा अगर इक्वल टू सपोज पी दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कोस का पावर एन थीटा प्लस सेक टू द पावर एन थीटा, ये भी आंसर दोस्तों क्या होगा, सेम ही होगा पी। यानी यहाँ देखोगे ये दिया हुआ है कोस थीटा प्लस सेक थीटा टू, पावर सिक्स है, यहाँ भी सिक्स है, तो आंसर दोस्तों क्या होगा, सेम ही होगा टू, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू फोर, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा का क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो दोस्तों अगर ये टेन थीटा का वैल्यू देखोगे, यहाँ चारों है, कोई एक ही करेक्ट होगा, तो टेन थीटा ये रूट थ्री कब होता है भाई, तो 60 डिग्री पे होता है, यानी थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री पुट करें तो ये होगा, 30 डिग्री पुट करें तो ये होगा, और ये वन हो जाता है दोस्तों 45 डिग्री में, और ये हमारा हो गया जीरो हो गया दोस्तों, ये हो गया जीरो डिग्री में, ठीक है। तो वैल्यू आपको पता होना पड़ेगा। तो अब दोस्तों यहाँ ध्यान दोगे कि हम यहाँ कौन सा वैल्यू को यहाँ पुट करें जो हमारा सेटिस्फाइड हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर हम 60 डिग्री को अगर यहाँ रखते हैं, तो देखोगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों रूट थ्री बाई टू, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री बाई फोर, एंड देन प्लस थ्री कोस 60 डिग्री 1 बाई टू, स्क्वायर करोगे 1 बाई फोर। अब देखोगे 7 थ्री जा 21 प्लस 3, यानी हो गया 24 बाई फोर, यानी 6 आगा यहाँ, बट यहाँ 4 है, यानी ये सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना। 30 डिग्री डाल के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे अगर 30 डिग्री डालोगे तो साइन 30 डिग्री होता है 1 बाई टू, स्क्वायर करोगे 1 बाई फोर, एंड देन प्लस 3 इंटू कोस 30 डिग्री रूट 3 बाई टू, स्क्वायर करोगे 3 बाई फोर। तो देखो यहाँ पे हो गया 7 बाई फोर प्लस 9 बाई फोर, एलसीएम लोगे 4, 9 और 7 हो गया 16, कैंसिल करोगे 4, हाँ ये मिला ना, तो यानी सेटिस्फाइड हो रहा है किस पे, 30 डिग्री पे ना। तो हमारा थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्री, सो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ दिया हुआ है कि इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, और ये कंडीशन दे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई ये लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0, एंड दोस्तों ये दिया हुआ है आपका गिवन साइन 2x माइनस 20। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इधर, ये हो गया दोस्तों साइन 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू कोस 2y प्लस 20 डिग्री, देन आपसे पूछ रहा है कि 10x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो दोस्तों आपको पता ही है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी हूँ, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो दोस्तों इन टर्म्स ऑफ, अगर हम साइन में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस 2y प्लस 20 डिग्री, ठीक है। साइन साइन एक्यूट, यानी ये हो गया 2x माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा 90 माइनस 2y एंड देन माइनस अगेन 20 डिग्री, ठीक है। अब देखोगे इस 2y को इस साइड लाओगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ये 20, ये 20 कैंसिल, क्यों माइनस 20 माइनस 20 उस साइड गया तो प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90, 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो x प्लस वाई 2 से डिवाइड करोगे 45, यानी x प्लस वाई का वैल्यू दोस्तों मिला 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है इफ टेन टू थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कोट थ्री थीटा, वे टू थीटा प्लस 45 डिग्री एंड थ्री थीटा आर एक्यूट एंगल्स, देन वैल्यू ऑफ थीटा आपसे पूछ रहा है क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे, तो यहाँ भी आपको पता ही होगा टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा, ठीक है। तो इस कोट को इन टर्म्स ऑफ अगर 10 लिखे तो
90 माइनस 3 थीटा लिखोगे, 10 10 एक्यूट करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। इस 3 थीटा को इधर लाओगे तो 5 थीटा, इस 45 को उस साइड लेकर जाओगे तो माइनस होगा, सो 90 माइनस 45 45, कैंसिल करते हैं 9 10, सो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेगा। तो दोस्तों आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।